खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कमलेश तिवारी हत्याकांड से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जानकारी ये मिल रही है कि जो हत्यारे हैं उनकी लोकेशन दिल्ली में है। हमारे साथ संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ। संजय जी, अखिलेश देखिए, अभी जानकारी मिल रही है कि ये दिल्ली के आसपास कहीं ट्रेस हुए हैं दोनों हत्यारे, जो भगवा रंग कर कपड़े पहन करके आए थे और कत्ल की वारदात को अंजाम देकर के आराम से निकल गए थे। तो इनके पीछे पुलिस लगातार, कई टीमें पुलिस की, एसपीएस की, एसटीएफ की लगी थी और अभी भी जानकारी मिली है कि ये दिल्ली के आसपास कहीं ट्रेस हुए हैं। दिल्ली पुलिस से भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा है कि किस तरीके से उनकी गिरफ्तारी में कुछ दिल्ली पुलिस भी मदद कर सके। और आपको ये भी बता दें कि कल रात में जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे दीपोत्सव और दीपावली की तैयारियों को लेकर प्रदेश भर के पुलिस अफसरों के साथ वो मुखातिब थे, तो उस वक्त उन्होंने इस घटना को लेकर नाराजगी जताई थी और कहा था कि दो लोग आराम से हत्या की वारदात को अंजाम देकर के और राज्य से बाहर निकल जाते हैं, आराम से निकल जाते हैं और पुलिस उनको गिरफ्तारी नहीं कर पाती है। तो उस नाराजगी के बाद से भी काफी असर देखने को मिल रहा है कि पुलिस अधिकारी सतर्क हुए हैं और ज्यादा तैयारियों के साथ वो इन दोनों हत्यारों के पीछे लगातार लगे हुए हैं। और उसके बाद अभी ये जानकारी मिल रही है कि उन्हें दिल्ली के आसपास कहीं टेस्ट किया गया है। चलिए, शुक्रिया संजय त्रिपाठी इस जानकारी के लिए आपका। तो ताजा जानकारी यही है कि हत्यारों के बारे में पता चल रहा है कि दिल्ली या इसके आसपास कहीं वो हो सकते हैं।